हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ वो है CVB की CC क्रीम का रिव्यू, जो कि मैंने अच्छे खासे जो है वो 6-7 महीने तक यूज कर रही हूँ और कर भी रही हूँ और कर चुकी हूँ। तो इसका जो है मैं आपको रिव्यू देती हूँ कि ये कैसी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखते हैं मेरी वीडियो जी। तो ये CVB की CC क्रीम है, CVB पेरिस की CC मेडिकल क्रीम, कलर करेक्टिंग क्रीम है। CC मतलब कलर करेक्टिंग क्रीम। इसमें SPF 30 मौजूद है और इसकी पैकिंग जो है वो कार्डबोर्ड पैकिंग है, जो कि बहुत अच्छी है। इसमें टोटल प्रोडक्ट हमें 50 ग्राम मिलता है, जो खोलने के बाद आपको 12 मंथ में तक के अंदर इस्तेमाल करना है। बाकी जो है इधर एक्सपायरी डेट मेंशन है, जो कि नज़र नहीं आ रही बट मेंशन है। तो इसका शेड नंबर 1 है मेरा। तो इसको खोलने पे जो है इसके अंदर भी ये CVB की वो प्रिंट हुआ हुआ है। पैकिंग काफ़ी अच्छी है और इसकी स्मेल भी सो गुड। और इसका कैप देखें, इसकी पैकिंग से जो है काफ़ी अच्छे हाई फाई ब्रांड की लगती है और काफ़ी एक्सपेंसिव लगती है, पर इतनी एक्सपेंसिव नहीं है। CVB की ये प्राइस होगी आई थिंक सो 500 से 700 के अंदर। तो ये जब भी आप इतने इसको मंगवाना है तो या तो इसकी वेबसाइट से मंगवाएं या किसी अच्छी शॉप से जाके लें, ठीक है। तो इसकी पैकिंग बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त है, लग्जरियस पैकिंग है इसकी, ज़बरदस्त किस्म की। तो शेड नंबर मेरा 1 है। खोल के मैं आपको दिखाती हूँ इसका स्वैच। ये मैंने इसकी देखी, निकल भी नहीं रही है, इतनी मैंने यूज की है। थोड़ी सी अमाउंट लेंगे, ये देखें, इजी टू ब्लेंड है। आप इसको फिंगर से, ब्यूटी ब्लेंडर से और ब्रश से ब्लेंड कर सकते हैं। थोड़ी ज्यादा ही लग गई है, थोड़ी सी लगाई है, लेकिन इसकी कवरेज देखें जरा, बिल्कुल हाई कवरेज नहीं है, लेकिन फिर भी जो है काफ़ी आपकी स्किन को जो है वो कलर करेक्ट कर लेती है। जहाँ से आपका कलर जो है अनइवन होता है उसको करेक्ट कर लेती है CVB की ये क्रीम। देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से बिना किसी जोर के जो है वो अच्छे तरीके से आराम से ब्लेंड हो गई है। आप इसको ब्यूटी ब्लेंडर से भी और ब्रश से भी ब्लेंड कर सकते हैं। तो ये देखें जरा, बहुत ही नेचुरल लुक आती है, बिल्कुल भी वो थोपी हुई फाउंडेशन की लुक नहीं आती है, बिल्कुल भी पैची, मतलब इसका स्टे भी बहुत अच्छा है। और जो ऑयली स्किन वाले अगर आप इसको लगाएंगे तो इसको सेट करने के लिए थोड़ा सा जो है वो कॉम्पैक्ट पाउडर यूज कर लें, और ड्राई स्किन वाले जो हैं वो कॉम्पैक्ट पाउडर ना यूज़ करें। और उससे पहले अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज और प्राइमर से अच्छे तरीके से सेट कर लें, देन ये फाउंडेशन अप्लाई करें। बाकी जो इसमें शेड आते हैं आई थिंक वो 3 to 4 शेड हैं, और सारे जो हैं वो वाइटिश टोन में ही हैं। कोई मतलब सांवले जिनके रंग होते हैं थोड़े से, उनके लिए ये नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो इसमें होना चाहिए सबके लिए रंग, ताकि सारे इससे फायदा उठाएं। तो मेरा शेड नंबर 1 है। तो बाकी जो है शेड नंबर 1 और 2 में कोई इतना कोई खास फर्क नहीं है। तो इसके सारे जो मैं आपको बता रही हूँ ना, जो टोन है ना वो ऐसे वाइटिश में ही है। तो आप अपना देख के कलर ले लीजिएगा। बाकी इसकी जबरदस्त पैकिंग है, मैं आपको इसको रिकमेंड करती हूँ कि आप आंखें बंद करके इसको ले लें। और जिसके पास है उस वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसका रिजल्ट आपको कैसा लगा है। और उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, रिव्यू ऑनेस्ट रिव्यू है, आप इसको आंखें बंद करके ले लें। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।